पढ़ेंगे, हम डेली देख लेंगे ये लाइंस और आज हम उसको जानेंगे कि ज्योमेट्री सेक्शन उसका क्या यूज है और उसको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता क्या है, लाइन तो आप समझ ही रहे हैं, कोई भी लाइन को हम लाइन कहते हैं। ठीक है, कोई भी लाइन हमारी लाइन हो जाएगी, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो दोनों तरफ से एरो निकला हो, सब हमारी लाइन है, सब हमारी ये लाइन है। तो अब ये हमारी क्या है, लाइन है ना, इसको हम जानेंगे कैसे कि हमारा लाइन सेगमेंट इसमें कौन सा है। तो लाइन सेगमेंट है हमारा कोई भी अगर दो डॉट दिया हुआ है, ठीक है, दो डॉट्स दिए हुए हैं, मान लेते हैं ये हमारा ए डॉट है, ये हमारा बी डॉट है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि जब एक डॉट से दूसरे डॉट तक मिला के उसको स्थिर कर दिया जाता है कि नहीं अब इसके आगे आप नहीं जा सकते, कोई एक सीमा उसका निश्चित किया जाता है, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे हमको ये पता है कि इस डॉट से इस डॉट तक इसको मिलाना है, लेकिन अब जब ये यहाँ तक मिल गया है तो ये डॉट यहीं पर खत्म हो गया, ये लाइन यहीं पर खत्म हो गया, ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। एक छोर से शुरू करके दूसरे छोर पे खत्म होना, इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक, आइए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है हमारा लाइन, लाइन जैसा कि मैंने बताया था कोई भी लाइन जिसका कोई अंत ना हो वो लाइन हो गया। जैसे कि इस पॉइंट से हमारा शुरू हुआ है और ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई अंत नहीं है, ए से शुरू हुआ है और इसका बी कहाँ जाएगा इसका कोई अंत नहीं है, ये हो गया हमारा लाइन। एक छोर से शुरू होना, अब वो किस छोर पे जाके रुकेगा जिसका कोई अंत ना हो वो लाइन, कोई भी लाइन हो सकता है। जैसे कि आप हमारा बोर्ड देख रहे हैं, अगर ये कॉर्नर्स ना हो तो ये सीधा चलता चला जाएगा, ये लाइन हो गया। रोड पे हम चलते हैं, रोड पे चलते जाते चलते जाते चलते जाते हैं, जब हम दूर देखते हैं नजर उठा के तो लाइन वो कंटिन्यू लंबी हुई रहती है, वो दिखती ही नहीं हमें, खत्म ही नहीं होता है वो। तो जैसे रोड पे लाइन्स है वो लाइन, ठीक है, लाइन का कोई अंत ना हो। आइए बढ़ते हैं रे की तरफ। रे क्या होता है बच्चों, ठीक है, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंशंस एंडलेस एक्सटेंडेड एंडलेस ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड साइड्स, जैसे इज कॉल्ड रेज। जैसे कि अभी तक मैंने देखा कि एक डॉट से दूसरे डॉट पे खत्म हो जाना, एक डॉट से शुरू होना और उसका कोई अंत ना हो, उसी तरह रे है उसका कोई लाइन नहीं होता, वो कहीं से भी शुरू होकर कहीं भी जाकर वो खत्म हो जाए, उसको हम रे कहते हैं, यानी इसका दोनों तरफ से रे निकला हो, एरो निकला हो, उसको हम रे कहते हैं। ठीक है, इसको हम हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से इंक्लूड करते हैं, जैसे कि इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं, ये हमारा हो गया है।
इस तरह इंटरसेक्टिंग होता है। इसके आगे हम बच्चों लेसन देखेंगे।